वेट लॉस कोई मजाक नहीं है। वजन कम करने के लिए फिजिकली एक्टिव होने से लेके एक हेल्थ डाइट तक स्ट्रिक्ट रूटीन फॉलो करना पड़ता है। जहाँ इंटरनेट टिप्स एंड ट्रिक्स से भरा हुआ है वेट लॉस के लिए, वहीं इनमें से सारी ट्रिक्स सबके लिए काम नहीं करती। इनफैक्ट कुछ टिप्स ऐसी हैं जो बिल्कुल काम नहीं करती। अगर आप सच में वेट लॉस करना चाहते हैं तो आज मैं बताने जा रहा हूँ 11 ऐसी टिप्स जो बिल्कुल काम नहीं करती और आपको उनके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। नमस्कार, मैं हूँ अजीत सिंह चौहान और आप देख रहे हैं लेजेंडरी लाइफ। सबसे पहला है डिटॉक्स डाइट्स। अब डिटॉक्स डाइट एक्चुअली आपके शरीर को डिटॉक्सिफाई करते हैं, टॉक्सिक एलिमेंट दूर करते हैं, लेकिन स्टडीज़ बताते हैं कि ये दूर दूर तक आपके शरीर में से कहीं भी वेट लॉस नहीं करते। दूसरा मिथ है एलिमिनेटिंग कार्बोहाइड्रेट्स। लोग ये मानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स यदि आप अपने खाने में से कम कर देंगे, जैसे चावल रोटी, तो आप पतले हो जाएंगे, जो कि बहुत बड़ा झूठ है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स आपकी डाइट के एसेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी है। यदि वो आपकी डाइट में नहीं होते हैं तो आप कमज़ोर महसूस करेंगे, वेट लॉस तो बहुत दूर की चिड़िया हो गई। तीसरा मिथ है कटिंग फैट्स फ्रॉम द डाइट। नंबर वन कि फैट जो है आपकी बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स हैं उनकी प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दूसरा ये कि ज़्यादातर लोग मोटे इसलिए होते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खाते हैं और बार बार खाते हैं, ना कि फैट खाने से मोटे होते हैं। इवन वेट लॉस होने के बदले वेट गेन भी हो सकता है। ऑयल्स, नट्स, घी, ये सब फैट्स के हेल्दी सोर्सेस हैं। इनको किसी न किसी तरह से अपनी डाइट में ज़रूर इनकॉर्पोरेट करें। नंबर चार, वेयरिंग अ फिटनेस बैंड। लोग ये मानने लगे हैं कि फिटनेस बैंड पहनने से ही सिर्फ आपका वेट लॉस हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। फिटनेस बैंड के अंदर कुछ फंक्शंस भी होते हैं, यदि आप उन्हें फॉलो करते हैं तो मे बी आपका वेट लॉस हो सकता है। फिटनेस बैंड बेसिकली आपकी फिटनेस को ट्रैक कर सकता है। पाँच, क्रैश डाइट्स। नॉर्मली आपने ये खबर सुनते ही आप वहाँ पे क्लिक ज़रूर कर देते हैं कि लूज़ 5 kg इन 5 days और लूज़ 10 kg इन 10 days। ये क्रैश डाइट्स होती हैं, ये आपका 5 या 10 kg से ज़्यादा कभी भी वेट कम नहीं कर सकती। और ऐसी डाइट्स के बाद जो वेट लॉस होता है वो सस्टेनेबल नहीं होता है, वो ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं है। ये जितनी स्पीड में गया है उससे डबल स्पीड में वापस भी आता है और आपका वेट पहले से भी ज़्यादा बढ़ सकता है। स्टार्विंग वाइल फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग करते वक्त भी बहुत सारे लोग इतने ज़्यादा वेट के लिए कॉन्शियस रहते हैं कि वो लंबे पीरियड पे ना खाने के बदले वो क्या करते हैं कि जो 8 घंटे का ईटिंग विंडो है उसी में 5-6 बार खाते हैं, और वो भी बहुत कम, इतना कम कि उनकी ओवरऑल मेंटेनेंस कैलरी से बहुत ज़्यादा कम होता है, जिसकी वजह से उनका मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है और बेसिकली वेट लूज़ होना बिल्कुल बंद हो जाता है। इससे ना सिर्फ उनका वेट लॉस नहीं होता और उनका मोरल डाउन होता है, बल्कि शरीर में एनर्जी नहीं रहती है, बहुत सारे मिनरल्स नहीं मिलते हैं शरीर के अंदर, बहुत सारे डिसीज़ हो सकते हैं और ये बहुत ही अनहेल्दी है और अनप्रोफेशनल। सातवीं गलती, अवॉइडिंग फ्रूट्स। ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि फ्रूट्स में ढेर सारी शक्कर होती है और क्योंकि इसके अंदर शक्कर होती है इसको खाने से बॉडी के अंदर फैट बढ़ेगा या आप मोटे हो जाएंगे, जबकि शरीर के अंदर नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रूट्स ही रहे हैं तब से, जब हमें लंगोटी बांधने भी नहीं आती थी। इसका रीज़न ये है क्योंकि फ्रूट जो होते हैं बहुत ही फास्ट डाइजेस्ट होते हैं, पेट में रुकते नहीं हैं, ताकि आपको गैस, बदहजमी ऐसी कोई प्रॉब्लम हो, उसके अंदर बहुत सारी एनर्जी होती है और ढेर सारे मिनरल्स होते हैं जो कहीं और से मिलना असंभव है। आठवां है, लोग जैसे ही डाइट स्टार्ट करते हैं तो वो वेस्टर्न डाइट्स को फॉलो करने लगते हैं, जहाँ पे उनको अजीबोगरीब डिशेस बताई जाती हैं और वो उनकी नॉर्मल रोज़मर्रा के खाने से मैच भी नहीं करता है। अब मैं आपको बता दूं कि ज़्यादातर लोग मोटे इसीलिए हुए होते हैं क्योंकि वो बाहर का खाना खा रहे होते हैं या पैक्ड फूड खा रहे होते हैं। तो ये क्या लॉजिक हुआ कि जो खा के ही आप जिससे मोटे हुए हैं वही खा के आप फिर से पतले भी हो जाएंगे। मैं दावा कर सकता हूँ कि घर का बना हुआ आपका खाना किसी भी वेस्टर्न डाइट को कभी भी बीट कर सकती है। नंबर 9, हेल्थ स्नैक्स। अब स्नैक्स जो होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं और छोटी छोटी कैलोरीज होती हैं। अब ये क्या करते हैं कि छोटी छोटी एक्स्ट्रा कैलोरीज
साल दर साल बढ़ते हुए फैट का रूप ले लेती है, आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा फैट की लेयर बना देती है। और न सिर्फ ये फैट बनाती है, आपकी बॉडी में हमेशा एक हंगर को पिंच करती रहती है। आप जितनी बार ज़्यादा खाएंगे उतनी बार आपको भूख लगती जाएगी, जिसकी वजह से आप नेवर एंडिंग ईटिंग साइकिल में फंसे रह जाएंगे। यदि आप फ्रीक्वेंसी ऑफ ईटिंग कम करेंगे, कम बार खाना खाएंगे, तो आपको कम बार भूख लगेगी, जिसकी वजह से जो आपकी नेचुरल भूख है उसमें आप नेचुरल खा के बाय डिफ़ॉल्ट ही अपने नेचुरल बॉडी में आ जाएंगे। आजकल सलाद का बहुत ज़्यादा चलन हो चुका है, जिसमें आप लोग चीज़, क्रीम और क्रूटॉन्स डालते हैं। अब ये सलाद देखने में बहुत ही टेस्टी और हेल्दी हो सकते हैं, बट ये फुल ऑफ सैचुरेटेड फैट्स हो जाते हैं। इतना ज़्यादा सैचुरेटेड फैट हमारी बॉडी हैंडल नहीं कर सकती है। इंस्टेड आप घी अलग से खाइए, और जब आप सलाद खा रहे हैं तो उसके अंदर जस्ट लेमन और पिंक सॉल्ट या जो भी सॉल्ट आपको पसंद है वो डाल के खाइए। यही एक मौका है जहाँ पे आप सलाद को न्यूट्रिशियस बना सकते हैं, ना कि कैलोरीफिक। टू मच प्रोटीन, सभी के सभी जो वेट लूज करना चाहते हैं वो यही सलाह देंगे कि ज़्यादा प्रोटीन खाइए। अब इसका लॉजिक मुझे समझ में नहीं आता है, क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है, यदि आप प्रोटीन खाएंगे तो आपके अंदर मसल्स बिल्ड होंगे, यदि आपके मसल्स बिल्ड होंगे तो वो वाटर को होल्ड करेंगे, तो न सिर्फ आपके मसल, आपके अंदर वाटर का भी वेट बढ़ता है। तो बेसिकली प्रोटीन खाने से आपके अंदर मस्कुलर स्ट्रक्चर भी बनेगा, आपका वेट भी बढ़ेगा। आपका गोल तो वेट कम करना था, तो इससे क्या फ़ायदा होगा मुझे समझ में नहीं आता। आपकी जो नेचुरल इंडियन डाइट है, जो आप घर पे रोटी सब्जी दाल चावल खाते हैं, उसके अंदर इतना इनफ प्रोटीन है कि आपको कमज़ोरी महसूस नहीं करने देगा। जो आपके अंदर ऑलरेडी बॉडी है, आपकी जो आपका स्ट्रक्चर है, उसमें कोई भी वीकनेस नहीं आने देगा। यदि आज का वीडियो किसी भी हिसाब से आपको अच्छा लग रहा हो, सुंदर लग रहा हो, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके अलावा मैंने पिछली बार 5 ऐसी चीज़ें जो बिल्कुल काम नहीं करती, ऐसा वीडियो भी बनाया था, यदि आप वो देखना चाहें तो देख सकते हैं। और आज का ये स्वीट और शॉर्ट सेशन यहीं पे समाप्त होता है। मैं हूँ अजय सिंह चौहान, और मैं ये आशा करता हूँ कि आपकी लाइफ लेजेंडरी हो जाए।